Do you want to know? Hello, students. Welcome to online portal. Myself, Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Students, our lecture of student today is number 6, which is from the chapter 5, complex number of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See, students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 2. Continue the last lecture 5th. हम इस वीडियो के अंदर लास्ट लेक्चर 5th को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड साथ साथ दैट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर करवाने वाला हूं. सो दिस इज अवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द अवर लेक्चर टुडे. फर्स्टली स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 5th. तो देखिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन. स्टूडेंट देखिए, इफ मोड ऑफ जेड माइनस योटा लेस देन इक्वल टू 2 एंड जेड नोट, इसको कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जेड नोट, जेड जीरो का मतलब क्या स्टूडेंट, इसको बोलते हैं जेड नोट. और इसको रीड करने का तरीका क्या है, जेड नोट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 योटा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. आपने निकालना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जिसमें आपको दो फंक्शन गिवन दे दिया कि मोड ऑफ जेड माइनस योटा लेस देन इक्वल टू 2 है और जेड नोट की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3 योटा. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका सोल्यूशन. आपको ये वैल्यू गिवन दी है, इसको हम लेके चलेंगे. नाउ आपको क्या गिवन दिया हुआ है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, योटा जेड प्लस जेड नोट. ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, जेड नोट की वैल्यू जो है इसमें पुट कीजिए. तो योटा जेड प्लस जेड नोट की वैल्यू आपके पास 5 प्लस 3 योटा. अब स्टूडेंट इसके अंदर एक स्टेप याद रखना है, इसके अंदर योटा स्केयर प्लस करोगे, योटा स्केयर एड माइनस करोगे, तो आपके पास बनेगा योटा जेड प्लस योटा स्केयर माइनस का योटा स्केयर प्लस 5 प्लस 3 योटा एज इट एज का ऐसी. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए योटा इन दोनों में से योटा क्या आ रहा है, कॉमन. तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये आप इन दोनों में से नहीं क्योंकि जेड माइनस योटा बनाना है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिए, योटा जेड और माइनस योटा स्केयर में से, क्योंकि आपने जेड माइनस योटा बनाना है. तो देखिए योटा कॉमन लूंगा तो आपके पास क्या बनेगा, जेड इधर बचेगा माइनस योटा. अब योटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, योटा स्केयर की वैल्यू माइनस का 1 और ये दोनों एडिट ऐसे के ऐसे. ठीक है स्टूडेंट, अब इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, अब देखिए पहले से सोल्व कीजिए, पहले इसको माइनस योटा जेड माइनस योटा 5 माइनस 4 1 कितना होता है स्टूडेंट, 4. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पार्ट है और एक आपके पास एक पार्ट है. मैं इसको जेड वन लेट करता हूँ, इसको जेड टू लेट करता हूँ. तो आपको मैंने एक रूल कराया था ट्रायंगल इनक्वालिटी के अंदर कि जेड वन प्लस जेड टू का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू के. ये वाला रूल यूज करना है, फिर आपने इसको सेपरेट करना है. तो देखिए जो ये रूल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ योटा इंटू जेड माइनस योटा प्लस मोड ऑफ 4 प्लस 3 योटा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके आगे, लेस देन इक्वल टू, अब इसको सेपरेट करके लिखोगे तो मोड ऑफ योटा मोड ऑफ जेड माइनस योटा प्लस 4 प्लस 3 योटा. अब मोड ऑफ जेड माइनस योटा की वैल्यू आपको स्टूडेंट दी हुई है कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, देखिए कितनी दी हुई है, मोड ऑफ जेड माइनस योटा लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 2 है. तो मैं इसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2. तो जब मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे 2 तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू बनेगी कि लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ योटा के स्केयर को कैंसिल करोगे, स्केयर रूट ऑफ 0 स्केयर प्लस 1 का स्केयर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस इसका मॉडुलस फाइंड करोगे तो क्या बनेगा, 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, क्योंकि मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. एंड और जो आपने ये वाली वैल्यू ली है उसकी जगह पे लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस योटा इज 2.
इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी लेनी है, 2 है, तो मैंने इसकी जगह पे क्या ले ली, वैल्यू 2। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो स्टून आके पास देखिए वैल्यू क्या बनेगी कि लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 1 इंटू 2 2 प्लस, अब इसको स्क्वेयर रूट को सोल्व कीजिए, 4 का स्क्वेयर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का जो स्क्वेयर रूट होता है उसमें कितना होता है 5, तो इट मीन्स लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 7। तो देयर फोर आगे बस जो वैल्यू फाइंड करनी थी, योटा जेड प्लस जेड नोट लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 7, तो लिख सकते हो देयर फोर हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज, जिस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी वो आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट 7। ये आपके पास क्या स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं आपको एक बार और रिपीट करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ पूछा था कि ये सर ये क्वेश्चन को आप कराना, तो मैं करवा रहा हूँ। देखिए आपको ये फंक्शन दिया होता कि मोड ऑफ जेड माइनस होता लेस देन इक्वल टू एंड जेड नॉट इक्वल टू दिया होता 5 + 3 होता, आपने दी मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी थी इस फंक्शन की, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी उस फंक्शन को आप लेके चलोगे, तो जेड नोट की वैल्यू गिवन थी, मैंने यहाँ पे वैल्यू की पुट की, ठीक है स्टूडेंट। फिर मैंने इस स्टेप के अंदर योटा स्केयर और माइनस का योटा स्केयर अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, आप मैंने क्या किया योटा जेड और योटा स्केयर में से योटा कॉमन लिया और ये इस योटा स्केयर की वैल्यू को मैंने क्या लिखा माइनस का योटा और ये वाली टर्म एडिड ऐसा की ऐसी, तो 5 - 1 कितना स्टूडेंट 4। तो आप देखिए सुन इसको मोड ऑफ जेड, इसको मैंने क्या किया जेड वन लेट किया, इसको मैंने जेड टू लेट किया, तो आपके पास ट्रायंगल इनक्वालिटी थी, ये कौन सी एक थी ट्रायंगल इनक्वालिटी जो आपने मेरे साथ लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ट्रायंगल इनक्वालिटी क्या थी स्टूडेंट्स, कि मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू, तो मैंने इसको मैंने सेपरेट कर लिखा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ योटा जेड माइनस योटा प्लस मोड ऑफ 4 + 3 योटा। अब इस मोड को मैंने फिर सेपरेट करके लिखा मोड ऑफ योटा इंटू मोड ऑफ जेड माइनस योटा प्लस मोड ऑफ 4 + 3 योटा। अब देखिए मोड ऑफ योटा को सोल्व किया स्केयर रूट ऑफ 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट आपको गिवन दी हुई है वो कितनी दी हुई है गिवन 2, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी मोड को सोल्व किया तो आकर स्केयर रूट 4² + 3² इसकी वैल्यू सोल्व किया 2 आया, इसको सोल्व किया 5 आया, 2 + 5 = 7। तो इस तरीके से जो ये योटा और जेड प्लस जेड नोट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी आपके पास कितनी आ गई 7, तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू गिवन फंक्शन इज कितना आ गया सुनना आपके पास 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए अब एग्जांपल नंबर 6 करते हैं, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, ध्यान से सुनना स्टूडेंट ये क्वेश्चन कि इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन दिया हुआ है किसके इक्वल है -2 के, सबसे पहले आपने इस फंक्शन को सोल्व करना है और इसको a प्लस योटा b की फॉर्म में चेंज करना है, a मींस रियल पार्ट और b मींस क्या है इमेजिनरी पार्ट, जो b की जो वैल्यू आएगी वो आपको गिवन दी हुई है वो -2 के इक्वल है, तो देयरफॉर देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड इन द आर्गन प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जो जेड की जो वैल्यू आनी चाहिए स्टूडेंट वो स्ट्रेट लाइन के अंदर आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्टूडेंट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आना चाहिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो किसके अंदर आएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर आपने आंसर निकालना है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेट करते देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। अब जो फंक्शन का आप सोल्व करना है उसको फंक्शन को आप लेके चलो, नाउ 2z + 1 / j + 1, अब जेड की वैल्यू को पुट कीजिएंगे तो 2 × x + j + 1 / j × x + j + 1, ठीक है सुन। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये बनेगा 2x, ये प्लस 1 और ये योटा वाली टर्म को मैं अलग लिख रहा हूँ 2 योटा y अपॉन में, इसी तरीके से जब इसको करोगे तो देखिए x योटा और योटा स्केयर y, चलो लिख लेते हैं x प्लस योटा स्केयर y
प्लस का 1, योर टच के की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1। अब देखिए स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपके पास वैल्यू बनेगी 2x प्लस 1 प्लस 2 योटा वाई अपॉन में ये खो योटा स्केयर वैल्यू माइनस 1 होती है तो 1 माइनस वाई और ये प्लस का योटा एक्स ऐसे का ऐसी। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था जब भी डिनोमिनेटर में योटा आ जाए तो आपने उसको कैसे सोल्व करना है, रैशनलाइज लेके सोल्व करना है। तो मैं इसको रैशनलाइज लेके करूंगा स्टूडेंट, ये प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई माइनस का योटा एक्स अपॉन 1 माइनस वाई माइनस का योटा एक्स। तो इसकी इसकी क्या होगा, देखिए आप स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई माइनस का 2x स्क्वायर योटा माइनस का योटा एक्स प्लस 2 योटा वाई माइनस का 2y स्क्वायर योटा प्लस 2xy। ठीक है स्टूडेंट, ये 2xy कैसे बना, क्योंकि योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे योटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xy। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन के अंदर आपके पास क्या स्टूडेंट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक फार्मूला होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब देखिए इसको अगेन सोल्व कीजिए, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा देखिए 2x माइनस 2xy प्लस 1 माइनस का y प्लस ये 2xy, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। अब देखिए ये टर्म इस टर्म और इस टर्म और ये वाली टर्म में सभी के अंदर क्या आ रहा है स्टूडेंट योटा कॉमन आ रहा है तो मैं माइनस का योटा कॉमन ले रहा हूं तो आपके पास क्या बनेगा 2y माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x अपॉन में आपके पास क्या स्टूडेंट्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर योटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये प्लस का x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का x स्क्वायर। आप देखिए ये माइनस 2xy ये प्लस का 2xy क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, तो आपके पास बना 2x प्लस 1 माइनस y माइनस योटा 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x पॉन में दिस फंक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ रियल पार्ट अलग कर रहा हूँ और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखूंगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 1 माइनस y नाउ ये आपके पास बना 2x प्लस 1 माइनस y अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस योटा। देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या बना इधर प्लस का योटा आएगा स्टूडेंट, अब देखिए 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x अपॉन में दिस फंक्शन, तो इधर लिखता हूँ इनटू में 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किसकी फॉर्म आ गई आपके पास स्टूडेंट a प्लस योटा b। आपको क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन दिया हुआ था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, अब ये जो फंक्शन है इसके अब वैल्यू जो है इमेजिनरी पार्ट वो क्या ये b है और ये वाली वैल्यू क्या आपके पास a है, मतलब आपको b की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो देखेंगे देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन क्या 2z प्लस 1 अपॉन में योटा जेड प्लस 1 किसके इक्वल आ गया के पास इस फंक्शन के 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है जो अब आप लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है, नाउ इट इज गिवन दैट कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जेड किसके इक्वल दिया हुआ है माइनस 2 के, तो इस फंक्शन को माइनस 2 के इक्वल लेके चलेंगे फिर सोल्व की देंगे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, तो देयर फॉर 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया माइनस 2 के, इसको इधर लेके आएंगे
तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी 2y - 2y² - 2x² - x = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x² इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट मैच कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये बनेगा माइनस का 2 - 2y² + 4y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 2y² से माइनस का 2y² कैंसिल हो गया, माइनस का 2x² से माइनस का 2x² कैंसिल हो गया। अब इन दोनों स्टर्म को इसको इधर लिया हूं तो क्या बनेगा x - 2y + 4y - 2 = 0। तो देयर फोर आपके पास क्या बना x + 2y - 2 = 0। ये आपके पास क्या बन गई स्टूडेंट, फॉर्म बन गई, लिख दोगे विच इज ए स्ट्रेट लाइन, हैंस द लोकस ऑफ जेड इज ए स्ट्रेट लाइन, द लोकस ऑफ जेड इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैं आपको एक बार रिपीट और करवा रहा हूं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको फंक्शन दिया होता, मैंने सिर्फ फंक्शन की मैंने वैल्यू फाइंड करी है कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो जेड की वैल्यू पुट करी एक्स प्लस योटा वाई और इधर भी एक्स प्लस योटा वाई, फिर मैंने इनको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद आपके पास ये वाली स्टेटमेंट बनी। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास योटा आया तो इसको मैंने रैशनलाइज लेके सोल्व किया, रैशनलाइज लेके सोल्व किया तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर मैंने एक्स वाली टर्म्स को अलग किया और योटा वाली टर्म्स को मैंने अलग किया, फिर मैंने क्या किया रियल पार्ट अलग किया इमेजिनरी पार्ट को अलग करके मैंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया। फिर देखिए आपको आपको गिवन दिया था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन किसकी कहलाया, योटा की जो टर्म होती है वो होती है इमेजिनरी पार्ट मतलब बी, तो आपको इसकी वैल्यू गिवन दी थी किसकी इक्वल दी थी -2 के, तो मैंने इस वैल्यू को -2 के इक्वल लेके चला और इसको सोल्व किया तो आपके पास इक्वेशन बनी x + 2y - 2 = 0। देखिए ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर लिखना था और यही स्ट्रेट लाइन होती है ax + by + c = 0। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके ये आइए आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन 7 जो है मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन इसका कहते हैं इफ द रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, आप इस फंक्शन के अंदर किसका क्या चीज निकालनी है रियल पार्ट, वो रियल पार्ट दिया हुआ आपको इक्वल टू 4। कहता है देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सर्कल, मैंने सर्कल की इक्वेशन आपको बताई थी स्टूडेंट, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये तो जनरल इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, एक आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है सर्कल की x - h² + y - k² = r². ये जनरल फॉर्म होती है सर्कल की, ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है सर्कल की, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, और ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट आपको जो ये सोल्व करना है या तो इस फॉर्म में बनाओ या तो इस फॉर्म के अंदर आपने इसको चेंज करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन तो सेम जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन कहता उसी तरीके से हम करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। अब जो चीज फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को हम लेके चलेंगे, नाउ जेड कंजुगेट प्लस 2, जेड का कंजुगेट माइनस का 1, जेड की वैल्यू ये है तो जेड का कंजुगेट आप फाइंड कर लीजिए, जेड कंजुगेट किसके कहलाएगा x - योटा वाई के, तो अब इधर वैल्यू पुट कीजिए x - योटा वाई + 2 / x - योटा वाई - 1। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, अब जो ये इन दोनों को इकट्ठा कीजिए और योटा टर्म को एक तरफ कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा x + 2 - योटा वाई / x - 1 - योटा वाई। अब देखिए स्टूडेंट, अब डिनोमिनेटर में फिर आपके पास योटा आ गया तो इसको रैशनलाइज करके लिख करेंगे तो x - 1 + योटा वाई / x - 1
प्लस योटा वाई। अब इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, देखिए जब इसको इस समय लेकर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस का टू। फिर जब आप इसको इस समय लेकर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स योटा वाई प्लस टू योटा वाई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा माइनस का योटा एक्स वाई प्लस का योटा वाई माइनस का योटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप और में फार्मूला बना ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जो आपके पास ये बना, अब इसको सोल्व कीजिए। आप सोल्व करने पर देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का टू। तो देखिए नाउ इक्वल क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस आगे देखिए क्या बनता है। देखिए इन दोनों में से ये देखिए एक्स प्लस योटा वाई और ये माइनस का एक्स योटा वाई, ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट कैंसल। आपके पास बना क्या स्टूडेंट्स कि टू योटा वाई प्लस योटा वाई कितना बन गया, थ्री योटा वाई, और ये वैल्यू बनेगी योटा स्क्वायर माइनस वन। तो माइनस माइनस प्लस प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस थ्री योटा वाई। ठीक है सुन, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस थ्री योटा वाई अपॉन में आपके पास है एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है सुन, अब मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं बिकॉज ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू योटा। ठीक है जो ये जो आप फॉर्म बनेगी ए प्लस योटा बी की फॉर्म बनेगी, ए आपके पास ये वैल्यू है और बी आपके पास ये वाली वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज फोर, मतलब इस फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल है, फोर के इक्वल है। तो आपके पास ए की वैल्यू आपके पास ये आई है तो सीधा इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, फोर के इक्वल लेंगे, लिखेंगे नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट कि रियल पार्ट ऑफ जेड किसके इक्वल है, फोर के। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो देर हो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। इसको अभी इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर इंटू में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर। इसका स्केलिंग खोलेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर इंटू में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू ए बी, मतलब माइनस का टू एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। अब इन सभी को इधर ले आओ इस सेट पे, जब इस सेट पे लेके आओगे तो आपके पास क्या बनेगी वैल्यू, वो एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर में से थ्री वाई स्क्वायर माइनस करोगे थ्री वाई स्क्वायर, ये प्लस एक्स इधर जाके माइनस एक्स माइनस एट एक्स माइनस एक्स माइनस का नाइन एक्स और माइनस टू इधर आके प्लस का टू हो जाएगा प्लस फोर प्लस टू प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज कॉल्ड, ये इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट वो किसकी बनेगी, सर्कल की, विच रिप्रेजेंट ए सर्कल, विच रिप्रेजेंट ए सर्कल। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये जो इक्वेशन बनी आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर देखिए आपको मैं एक बार रिपीट कराता हूँ ये पूरा क्वेश्चन किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ था स्टूडेंट,
ये पार्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि इफ द रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज 4, मतलब ये जो फंक्शन था आपके पास जेड का कंजुगेट प्लस 2 अपॉन जेड का कंजुगेट माइनस 1, इसका जो रियल पार्ट आएगा वो किसके इक्वल दिया हुआ है 4 के। फिर मैंने क्या मैं फिर आपको करना है देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड इन द कम्प्लेक्स प्लेन इज सर्कल, सर्कल के अंदर शो करना था। तो आप ये दो क्वेश्चन थी आपके पास, इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप चेंज कर सकते थे। अब देखिए मैं ये फंक्शन लेके चला जेड की कंजुगेट प्लस 2 अपॉन जेड की कंजुगेट माइनस 1, जेड आपके पास होता है एक्स प्लस योट्टा वाई और जेड का कंजुगेट होता है एक्स माइनस का योट्टा वाई। तो इसके अंदर जेड कंजुगेट की वैल्यू पुट करी एक्स माइनस योट्टा वाई अपॉन एक्स माइनस योट्टा वाई। फिर मैंने क्या किया, जब भी आपके पास रैशनलाइज के अंदर आता है तो रैशनल डिनोमिनेटर के अंदर योट्टा आता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज किया तो देखिए एक्स प्लस 2 को एक्स माइनस 170 लेकर करोगे तो बनेगा एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस 1 से किया माइनस का एक्स, फिर प्लस 2 को एक्स से किया प्लस का 2x, 2 को 1 से किया माइनस का 2, और माइनस योटा वाई को योटा वाई 70 ले करोगे माइनस का योटा स्क्वायर वाई, फिर एक्स प्लस 2 को योटा वाई 70 ले करोगे तो आ जाएगा एक्स योटा वाई प्लस 2 योटा वाई, और योटा वाई को 70 ले करोगे तो माइनस का एक्स योटा वाई और प्लस का योटा वाई। ये और ये टर्म क्या स्टूडेंट कैंसिल, उन सभी को कंबाइंड करके क्या लिखोगे देखिए, ये इन सभी को कंबाइंड करके आपके पास मैंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ये आपके पास एक ब्रैकेट में लिया, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने इसको अलग अलग करके इसको रिप्रेजेंट किया। ओके स्टूडेंट, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट, मतलब ए प्लस छोटा बी की फॉर्म बना। तो रियल पार्ट जो था वो किसके इक्वल है स्टूडेंट आपके पास 4 के इक्वल है, तो इस रियल पार्ट को मैं 4 के इक्वल लेके चला और इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर आपके पास ये इक्वेशन बनी है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जाम्पल नंबर आपके पास 7। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब एग्जाम्पल नंबर करते हैं 8, लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए सॉल्यूशन कहता फाइंड ए कम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तो वैसे ही करेंगे, तो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो जो फंक्शन दिया है उसको अब लेके चलिए, देन जेड प्लस रूट टू जेड प्लस 1 का कंजुगेट प्लस योटा इक्वल टू 0। अब देखिए सुन, एक्स की वैल्यू को पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा सुन, देखिए एक्स प्लस योटा वाई प्लस रूट टू, तो ये बनेगा एक्स प्लस योटा वाई प्लस 1 का मॉडुलस प्लस योटा इक्वल टू 0। अब देखिए चुन, मैंने इसको कैसे करना है, x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में ले लोगे और योटा वाई को आप एक ब्रैकेट में ले लोगे, तो ये एक बनेगा x प्लस योटा वाई प्लस रूट टू मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस योटा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस योटा एडजिट ऐसा कैसी। अब इसका मोड सोल्व कीजिए, अब ये बन गया a प्लस योटा बी का मोड, तो a प्लस योटा बी का मोड क्या होता है, मोड रूट स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आप सोल्व कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस योटा वाई प्लस रूट टू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस योटा एजिट ऐसे का ऐसी। अब देखिए जो रूट टू को मैं इसके अंदर लेके आऊंगा और योटा वाई और इस योटा में से योटा कॉमन लूंगा, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्केयर रूट ऑफ टू एक्स प्लस 1 का होल स्केयर प्लस 2 वाई स्केयर। देखिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं, एक्स प्लस इस रूट को अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये बनेगा स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू में एक्स प्लस 1 का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस, और इन दोनों में से योटा कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये फॉर्म बन गई ए प्लस योटा बी इक्वल टू 0। 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस योटा 0। तब देखिए जब दो कंप्लेक्स नंबर इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वल ले सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था, दिस मीन्स ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, तो आपके पास बनेगा दिस टर्म इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इक्वल टू 0। देखिए तो देयरफॉर एक्स
देखिए इसमें क्या था, x प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, इधर लिख रहा हूं कि x प्लस के रूट ऑफ टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड y प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस का वन। ये y की जो वैल्यू है वो आप क्या करोगे यहां पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस के रूट ऑफ टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जब माइनस वन पुट करोगे माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन प्लस का टू इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए सोल्व करते हैं। तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एक्स, टू एक्स प्लस टू फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब ये स्टूडेंट x है इसको इधर लिया और राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू माइनस का x। आप करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपके पास बनेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इधर लिया हुआ, अब तो आपके पास क्या बनेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो आगे क्या बनेगा सुन, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर बनाओ स्टूडेंट, इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो बना के पास, और एंड वाई की वैल्यू आपके पास क्या बनी है माइनस का वन। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर फोर आई, प्लस करने पर फोर आई, तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो x प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स प्लस टू किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के, तो देयर फोर एक्स प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू आया एंड वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आया माइनस का वन। आपने क्या फॉर्म क्या फाइंड करना था स्टूडेंट, कि फाइंड ए कम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, जेड निकालना था। तो देयर फोर यहां लिख देते हैं देयर फोर हेंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो देयर फोर जेड किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस टू है y की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस का योटा, तो देयर फोर आपके पास जेड इक्वल आ जाएगा माइनस का योटा प्लस टू। ये आपके पास क्या क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, देखिए दोबारा से। आपको एक दिया होता है कि एग्जांपल नंबर एट कि फाइंड ए कम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन गिवन दी हुई थी, आपने करना क्या स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन गिवन दी हुई थी, इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपने जेड की वैल्यू को फाइंड करना था। जेड मैंने क्या लिया एक्स प्लस योटा वाई, मीन्स आपने एक्स और वाई की वैल्यू को निकालकर इसमें वैल्यू पुट करनी थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जेड के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए मैंने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन को मैं लेके चला, इसमें जेड की वैल्यू को मैंने क्या किया पुट किया, तो दोनों तरफ अब देखिए आप क्या किया एक्स प्लस वन को मैंने सेपरेट किया और योटा वाई को अलग किया, तो ये बन गया मोड ऑफ ए प्लस योटा बी, मोड ऑफ ए प्लस योटा वाई होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन योटा वाई और योटा वाई को मैं से योटा कॉमन लेके मैंने ये टर्म बनाई। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स देखिए, फिर देखिए इन दोनों में से कॉमन लिया, अभी ये रियल पार्ट बना और ये इमेजिनरी पार्ट बना, ये रूट को मैं इसको अंदर ले गया था तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे और टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैंने क्या किया इसको रियल पार्ट को अलग किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखा, बिकॉज क्योंकि ए प्लस योटा बी किसकी फॉर्म में आ गया जीरो प्लस योटा जीरो के, तो दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल में हो तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट आपके पास इक्वल हो जाता है। तो देयर फोर ये आपके पास दो इक्वेशन बनी, यहाँ से वाई की वैल्यू माइनस वन आई, ये वाई की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे पुट की है, देख सकते हो पुट वाई इज इक्वल टू माइनस वन,
ठीक है, तब जिसे माइनस वन पुट करो, माइनस वन का स्केयर वन होता है, वन इंटू टू टू बना। अब इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करने पर आपके पास क्या बनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद मैंने इसके फैक्टर बनाए और एक्स की वैल्यू को मैंने फाइंड किया, एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस टू और वाई की वैल्यू माइनस वन थी। जेड आपने फाइंड करना था एक्स प्लस योटा वाई, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू आया और वाई की वैल्यू क्या आई माइनस माइनस का वन, तो माइनस का योटा, तो आपके पास जेड का आपके पास आ गया आंसर माइनस योटा प्लस टू। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ डिस्कस किए टोटल एट एग्जाम्पल इस चैप्टर सिलेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल आज की वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये टोटल 8 एग्जाम्पल थी जो आपने मेरे साथ डिस्कस की। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9888682802। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन का डाउट आप में से क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?